भद्रावती के विवेकानंद महाविद्यालय में जिला स्तरीय खो खो स्पर्धा सम्पन्न हुई। मन में किसी विषय की लगन भविष्य में उस उद्दिष्ट की पूर्ति करती है। यह ध्यान में लेकर किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति ने बचपन से ही अपने उद्दिष्ट तक पहुंचने के लिए मन में लगन रखने का प्रयास करे तो सफलता मिलेगी ही, ऐसा प्रतिपादन नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर ने व्यक्त किया। शहर के द्रोणाचार्य क्रीड़ा व सांस्कृतिक मंडल की ओर से विवेकानंद महाविद्यालय के प्रांगण में जिला स्तरीय एक दिवसीय खो खो स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें वे बोल रहे थे। इस समय मंच पर सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर वर्मा, राजेश मत्ते, व्यापारी एसोसिएशन के प्रकाश पानपट्टीवर, नितिन मासिरकर, तानाजी बाविस्कर आदि की उपस्थिति थी। इस स्पर्धा में प्रथम क्रमांक VKM संघ गढ़चिरौली ने प्राप्त किया तो छत्रपति संभाजी महाराज बहुउद्देशीय क्रीड़ा मंडल वरोरा यह संघ द्वितीय, द्रोणाचार्य क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक मंडल भद्रावती इस संघ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन तीनों ही संघ को सम्मान चिन्ह व नगद राशि देकर गौरवान्वित किया गया। उक्त स्पर्धा में चंद्रपुर व गढ़चिरौली जिले के कुल 10 संघों ने सहभाग लिया था। 10 वर्ष अंतर्गत संघ में जिला क्रीड़ा संकुल वरोरा ने प्रथम क्रमांक तो द्रोणाचार्य क्रीड़ा मंडल भद्रावती यह संघ उप विजेता ठहरा। इन विजेता संघ को सम्मान चिन्ह व नगद राशि देकर गौरवान्वित किया गया। इसके अलावा स्पर्धा में उत्कृष्ट खिलाड़ी, अग्रेसर आक्रमक खिलाड़ी, सुपर संरक्षक व उत्तुंग छेप इन खिलाड़ियों को वैयक्तिक पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक संतोष निंबाड़कर, संचालन अमित असवले तो आभार प्रदर्शन विनोद काउटी ने किया। स्पर्धा की सफलता के लिए दीपक काउटी, संतोष निंबाड़कर, अशोक वाघमारे, नितिन खरपड़े आदि सदस्यों ने अथक परिश्रम लिया। सिटी केबल समाचार चंद्रपुर के लिए भद्रावती से प्रतिनिधि श्याम चटपल्ली पार की रिपोर्ट। आपापले वैशिष्ट्य असते या खेळाच्या माध्यमातून आपण आपलं करिअर सुद्धा घडवू शकतो आणि हा खेळ खेळत असताना आपण एक उद्दिष्ट मनाशी धरलं पाहिजे की मला या खेळाच्या माध्यमातून प्रावीण्य प्राप्त करायचं आहे। मी एक छोटंसं उदाहरण सांगतो की मी सुद्धा तुमच्यासारखं असताना एक टी व्हीवरती सिरियल यायची, उडान सिरियलचं नाव होतं उडान। त्या ठिकाणी एक महिला इन्स्पेक्टर होती, ती ज्या लोकांवरती अन्याय व्हायचा ते अन्याय ती दूर करायची अशी ती महिला इन्स्पेक्टर, तिचं नाव होतं महिमा चौधरी। ती टी व्ही पाहत असताना एका मुलीने ठरवलं की मला सुद्धा या इन्स्पेक्टर सारखं मोठं होऊन इन्स्पेक्टर व्हायचं आहे आणि लोकांवरती जो अन्याय होतो तो दूर करायचा आहे। त्या छोट्याशा मुलीने ठरवल्यानंतर गावातले मुलं किंवा नागरिक त्या मुलीची मजा घ्यायचे की इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर म्हणून तिला चिडवायचे आणि तिने ठरवलं होतं की मी खरोखर मोठं होऊन इन्स्पेक्टर होऊनच दाखवील आणि मी नगरपालिकेच्या माध्यमातून नेहमी महिलांचे कार्यक्रम घेतो, त्यामध्ये प्राविण्यप्राप्त जे महिला आहे ज्यांनी महिलांच्या याच्यात चांगलं कार्य केलेलं आहे असे वकील असो इन्स्पेक्टर असे अशा विविध माध्यमातून महिलांना त्या ठिकाणी बोलावतो। तर खरंच ती छोटीशी मुलगी महिला इन्स्पेक्टर झाली आणि त्या आम्ही घेतलेल्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून आहे।